दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। कुछ यूरोपियाई और पूर्वी एशियाई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें हाई लेवल की सतर्कता और निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वहीं इस उच्च स्तरीय बैठक में 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से शुरू करने के सरकार के फैसले, वैक्सीनेशन के हालात और जीनोमिक निगरानी के स्तर की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को सैंपल्स की तेजी के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्देश दिया, ताकि नए वेरियंट का पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका, यूरोप के साथ साथ एशिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब में जिस देश ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है वो है चाइना, जहां कोरोना से हालात फिर बिगड़ते जा रहे हैं। यहां 2020 के बाद से सबसे बुरी स्थिति बताई जा रही है। लगातार केस बढ़ने के चलते चीन के कई हिस्सों में मेडिकल संसाधनों की कमी होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 10 हफ्तों में चाइना में 14,000 से अधिक केस सामने आए हैं। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के चलते केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में चाइना को कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा। वहीं चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। कई शहरों में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। करीब 2 करोड़ की आबादी वाले शेंजेन शहर में लोगों से कहा गया है कि घर का सिर्फ एक सदस्य घर से जरूरी सामान लेने के लिए बाहर जा सकता है। इसी बात से चीन के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो देश में एक दिन में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 60 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई। प्रदेश के जितने गुंडे सत्ता के संरक्षण में अब तक पल रहे थे, वे सभी कान खोल करके सुन लें। 11 मार्च उनके लिए अंतिम वार्निंग होगी। 11 मार्च के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अपना ठोर ठिकाना पहले ही ढूंढ करके रख लेना। जितने भू माफिया होंगे, जितने खनन माफिया होंगे, जितने अपराधी प्रवृत्ति के तत्व होंगे, जितने लोगों ने गांव, गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया होगा, उन सबकी खैर नहीं। एक योगी की बात पर सब भरोसा करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक योगी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में जनता से किए वादे पूरे होने भी शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर का मसला छाया था। विपक्ष ने सीएम योगी पर बुलडोजर को लेकर तंज किया, तो बीजेपी की जनसभाओं में बुलडोजर खड़े किए जा रहे हैं। योगी ने खुद चुनाव प्रचार में 10 मार्च के बाद ये कार्रवाई होने के संकेत दिए थे। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बीजेपी अब यूपी चुनाव में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आगाज अभी हुआ नहीं है, लेकिन बुलडोजर एक्शन में आ गया है। साथ ही साथ पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर करना भी शुरू कर दिया है। अपराधियों में खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तो अपराधी खुद थाने थाने जाकर समर्पण कर रहे हैं। कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चल गया है। कथित रूप से तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप था। कानपुर के साथ हापुड़ मेरठ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दूसरी ओर आजमगढ़ के बरदाह थाना अंतर्गत लुटेरे गैंग के सरगना को मिशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं गोड़ा में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया।
देश और दुनिया में रंगों का त्योहार होली पूरे उमंग और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग अबीर और गुलाल लगाकर आपसी प्रेम स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये त्योहार मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को रंगों के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के मंगल की कामना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा, होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। ये वसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के जीवन में खुशियों की कामना करते हुए होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी प्रेम स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। इसी के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पूरे देश को होली पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, दिलों को जोड़ने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज हर्ष उल्लास के साथ रंगों के त्योहार को मना रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पूरे देश को होली की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए संदेश दिया, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व आप सभी के जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आए। आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मिलजुल कर ये त्योहार मनाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को होली के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। जेपी नड्डा ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा, होली के रंग आप सभी के जीवन में प्रसन्नता एवं समृद्धि लाए। इस कामना के साथ समस्त देशवासियों को रंगों के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर लिखा, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग उमंग व हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख शांति सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। आज पूरे देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग इस त्योहार को नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना के बादल छटने के बाद लोग इस बार इसे जमकर मनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। सुबह से ही रंगों में सरोबार दिख रहे हैं लोग। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसने कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश के सामने रखा, जिस फिल्म को देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हो गई। इस फिल्म को देखकर जब कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल से बाहर निकला तो उसके दिल में अपने देश के प्रति गर्व होने के साथ साथ कई सवाल मन में गड़े थे। कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा आखिर होने क्यों दिया गया? उस फिल्म को लेकर देश में राजनीति भी चरम पर पहुंच चुकी है। इस फिल्म को लेकर 2 पक्ष बन गए हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ की है, दूसरी ओर विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि फिल्म के बहाने माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। गौरतलब हो कि देश की राजनीति में रोज रोज ऐसा नहीं होता है कि किसी फिल्म की बढ़ चढ़ कर तारीफ की जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इस फिल्म पर रोक लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया। इन लोगों का कहना है कि इस फिल्म को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी लगातार सरकार से राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है, जिसे अजीत पवार ने ठुकरा दिया। अजीत पवार ने कहा कि इतनी अच्छी पिक्चर है तो महाराष्ट्र में ही टैक्स फ्री क्यों होना चाहिए? ये पिक्चर तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टैक्स फ्री होनी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। दूसरी ओर यूपी चुनाव में हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने द कश्मीर फाइल्स पर कहा कि अगर कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो लखीमपुर में जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं? कश्मीर फाइल्स मूवी सिनेमा घरों में तो धमाल मचा ही रही है, इसके साथ राजनीतिक गलियारों में इस मूवी से जुड़े विवादों से तहलका मचा रखा है। इस फिल्म से जुड़े विवाद की शुरुआत तब हुई जब फैंस ने फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से पूछा कि वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए द कपिल शर्मा शो में क्यों नहीं गए। विवेक ने ट्विटर पर पूछे गए फैंस के इस सवाल का जवाब दिया। डायरेक्टर ने दावा किया था कि कपिल ने उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से ही मना कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कपिल शर्मा ट्रेंड शुरू हो गया था।
एक अन्य विवाद में फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस बीच क्रिकेटर सुरेश रैना ने ट्वीट किया और लिखा, अगर ये फिल्म आपके दिल को छूती है तो कश्मीर में हुए नरसंहार के पीड़ितों का दर्द करने में मदद कीजिए। इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया और पूछा कि क्या हम गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार की भी बात करेंगे। गौरतलब है कि विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर करने की कहानी को दर्शाया गया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाते हुए अब तक 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.